तुम बिन जीवन सुना लागे, सुना लागे रे। तुम बिन जीवन सुना लागे, सुना लागे रे। जो ना मिल सके याद वो आए, याद वो आए रे। जो ना मिल सके याद वो आए, याद वो आए रे। लेकिन मैं बहुत पुरसुकून और मुतमईन हूँ। अजीब रूह है तुम्हारी भाई। आजकल की लड़कियां तो ज्वेलरी, फैशन, घूमने फिरने की बातें करती हैं। यू आर कम्प्लीटली टोटली डिफरेंट। नहीं भाभी, मैं आपकी कसूरवार हूँ। मैं इंतकाम की आग में बहुत दूर निकल गई थी। अच्छे बुरे की तमीज खो चुकी थी मैं। मैं पहले तुम्हारी शादी के बारे में तो सोच लें भाई। वैसे भी मुझे चची के इरादे कुछ खास नेक नहीं लग रहे। भाई की बेटी को बहू बना के लाना चाहती हैं वो। अरे कुमेल साहब, आप भी यहीं मौजूद हैं? क्यों, आपको कोई एतराज है इनकी मौजूदगी से? साहब, खाना लगा दूं? नहीं, अभी बीबी आ जाए तो फिर साथ में खाते हैं खाना। हाँ ठीक है, तुम सारा काम देख लेना। हाँ बस मैं अभी घर पहुंच रही हूँ। ओके 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 ओके, बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत थक गई भाई आज तो। खैरियत? ऑफिस में इतना काम था, फिर फैक्ट्री भी विजिट करने पड़ा इमरजेंसी में। ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी? 3 यूनिट्स 2 रोज से बंद थे और हमें खबर ही नहीं थी। कौन सी फैक्ट्री? हयात टेक्सटाइल्स। तो तुम वहां गई थी? हाँ बिल्कुल, मुझे जाना ही पड़ा। ये शहरयार भी ना, डिग्रियों के मामले में तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ही ढीला है। मतलब 3 यूनिट्स 2 रोज से बंद है और जनाब ने हमें कोई खबर नहीं दी। वो तो आज लकीली मेरी जमील साहब से बात हो गई तो असल नौयत पता चली। अकेले तो नहीं जाना चाहिए था तुम्हें वहां? अकेले नहीं गई थी मैं, कुमेल था ना मेरे साथ। तो क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं वहाँ की? लेटेस्ट अपडेट ये है कि अगर मेंटेनेंस सही टाइम पे हो जाती तो ये 2 रोज जाया नहीं होते। शरिया साहब वहाँ गए तो थे, लेकिन लापरवाही की वजह से वहाँ के स्टाफ ने भी कोई तवज्जो नहीं दी। तो क्या एक्सपेक्ट कर रही हो, कितना नुकसान होगा? ये तो शरिया साहब जब रिपोर्ट भेजेंगे तब पता चलेगा। ऐसा परेशान मत हूँ, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा। मैंने और कुमेल ने तो यही एस्टिमेट लगाया है। तुमने और कुमेल ने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। माल असबाब के नुकसानात का अजाला तो किया जा सकता है, मगर एतमाद और भरोसे के नुकसानात का अजाला नामुमकिन है। कहाँ गुम हो गए आफंदी? किन सोचो में गुम हो गए? आप परेशान मत हो, मैं और कुमेल स्टडी कर रहे हैं इस मैटर पे। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, फिर भी वो जब रिपोर्ट बना के भेजेगा तब हमसे और देख लेंगे। खैर आप परेशान मत हो, लेबर्स को पूरे पैसे मिले हुए इसलिए काम भी वो पूरा करेंगे। कल से वो 8 घंटे के बजाय 12 घंटे की शिफ्ट करेंगे और 3 दिन का नुकसान रिकवर हो जाएगा। कॉस्टिंग में सिर्फ लेबर नहीं होते, दूसरे एक्सपेंस भी होते हैं। ये बात क्या कुबेल और तुम जानते नहीं हो? आफंदी, मैंने सिर्फ नुकसान रिकवर करने के लिए ये फैसला लिया है, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो एक बात पे हैरान हूँ कि तुम दोनों इतने बड़े बड़े फैसले बगैर किसी को लूपे लिए किए जा रहे हो। वरना कि ये वाज़े किया था कि डिकोरम का एहतराम किया जाए। ओके, आई एम सॉरी कि मैंने आपको अपडेट नहीं किया, मैं बिजी भी तो इतना थी ना, फिर इधर जाना, कभी फैक्ट्री कभी ऑफिस, भाग दौड़ में पता ही नहीं चला कि आपको भी अपडेट करना। लेकिन कल जाते ही मैं पहला काम ये करूँगी, अभी बहुत थक गई हूँ, फैक्ट्री भी होके आई हूँ, चेंज करके आती हूँ। हाँ
मेरे लिए भी कल का पहला काम तुम दे चुकी हो। दीनू बाबा खाना लगाइए। सर आप बहुत इमरजेंसी में जा रहे हैं, खैरियत तो है? हाँ बस एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। इसमें इतने हैरान होने वाली कौन सी बात है बता सकता? नहीं सर हैरान नहीं, मैं वो एक्चुअली टेक्सटाइल का ऑर्डर, लूम्स की खराबी, मैं सोच रहा था कि आप एक काम कीजिए, आप इंक्वायरी बिठाइए, जिनकी कोताही है उनके खिलाफ नोटिस ले लीजिए। हाँ हम मैंने शरियार से रिपोर्ट तलब कर ली है, वो देख रहा है सर। शरियार के हवाले से आपका आइडिया बिल्कुल गलत साबित हुआ, 100% गलत। जैसा आप सोच रहे थे या जितना आप सोच रहे थे कि वो कॉम्पिटेंट है, उतना निकला नहीं वो। आप ठीक कह रहे हैं सर, उससे गलती हुई। कुछ चेक वगैरह साइन करवाना तो करवा लीजिए, वरना पेटी कैश तो है ही अकाउंट में इतना कि एक हफ्ता आराम से गुजर सके आपका। ठीक सर, आपका सफर अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। हाँ बस दुआ कीजिएगा जी। ओके जी बैरिस्टर साहब, डिटेल्स मैंने आपको भिजवा दी हैं, नाम पता एड्रेस सब कुछ, बस जितनी जल्दी हो सके डॉक्यूमेंट्स बनवा के भिजवा दीजिए, फिर जब आपकी मेरी मुलाकात होगी तो हम बाकी की डिटेल तय कर लेंगे। ठीक है, ख्याल रखिएगा, हाफिज। हाँ बस देखो अब कब वापसी होती। हाँ बस तुम अपना ख्याल रखना। ओके ओके खुदा हाफिज। अचानक ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? पहले से इन्फॉर्म भी नहीं किया हुआ है, अभी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आया भी तो बगैर इत्तला के था, अब एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। तुम अपने घर चली जाओ। अपने घर क्यों? हाँ मेरा मतलब है कि अपने घर जलीस की तरफ, एक हफ्ता तो लग जाएगा मुझे। तो एक हफ्ता कौन सी बड़ी बात है, मैं यही रह लूंगी। यहाँ रह के क्या करोगी तुम, यहाँ तो कोई भी नहीं होगा। दीनू बाबा तो खुद जा रहे हैं छुट्टी पे एक हफ्ते के लिए पंजाब। ठीक है फिर सुबह आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करके फिर घर चली जाऊंगी वापसी में। अरे सुबह 6 बजे की फ्लाइट है, वो तुम्हें पता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए 3 घंटे पहले जाना पड़ता है। सो आई हैव टू बी एट द एयरपोर्ट बाय 2:30 or 3। क्यों तकलीफ करती हो, एक काम करने बस कल ऑफिस से वापसी पर तुम घर चली जाना। आफंदी सब खैरियत है ना? हाँ सब खैरियत ही है, बस तुम खैरियत बना के रखना, स्पेशली ये हयात टेक्सटाइल वाला मामला, बाकी काम सारे बेजाद संभाल लेगा, बस तुम्हारे डैडी को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये बात तो ठीक है मगर। अरे छोड़ो अगर मगर, रात बहुत होगी, जाके सो जाओ। और आप? अरे मुझे तो अभी काफी लंबा सफर करना है, अभी सो गया तो सफर नहीं कर पाऊंगा, तू फिक्र मत करो। कुमेल भी तो वहां काम कर रहा है, कहीं आफंदी को पता तो नहीं चल गया कि वो कौन है, कोई मसला तो नहीं होगा? कुछ नहीं हुआ मॉम, आप खामखाई डरा देती हैं मुझे। तुम बेटा मुशाने को पहले से जानते? यस सर, हमने साथ में एमबीए किया। जो ना मिल सके याद वो आए रे, जो ना मिल सके याद वो आए रे। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम सलाम, गुड टू सी यू, कैसी हो? बैठो बैठो। बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप बताएं आप कैसी हैं? लेट मी गेस, वैसी की वैसी फिट और ब्यूटीफुल। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे अपनी फिटनेस के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज पसंद नहीं है। अच्छा बताओ, अफंदी नहीं आया? नहीं, वो
एक हफ्ते की छुट्टी के लिए मुल्क से बाहर गए हैं, तो मैं यहाँ आ गई। आर यू सीरियस? चलो बहुत अच्छा है, हम दोनों तुम्हें बहुत मिस करते हैं, अब पूरा हफ्ता फुल एंजॉयमेंट करेंगे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक हफ्ते की छुट्टी मिली है और 5 हफ्तों का काम। आप जानती हैं ऑफिस के सारे मामलात मुझे देखने हैं अकेले, और वैसे भी मैं फुल टाइम छुट्टी के लिए बिल्कुल नहीं आई, ऑफिस के बहुत सारे काम हैं। रोशानी क्या बात कर रही हो, इतने सारे मुलाजिम हैं, इतने वर्कर्स हैं, काम जरा बांटने को सीखो, सारे काम तुम खुद थोड़ी करोगी अकेली। मॉम अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है, दिया था मैंने एक मैनेजर को काम, लेकिन आप जानती हैं क्या हुआ, 2 दिन तक 3 लोम्स बिल्कुल बंद रहे और हजारों और लाखों रुपए का नुकसान अलग। अपना काम समझ के कोई नहीं करता यहाँ पे। हाँ बात तो तुम सही कह रही हो। अच्छा सुनो, कुमेल भी तो वहाँ काम कर रहा है, कहीं आफंदी को पता तो नहीं चल गया कि वो कौन है, कोई मसला तो नहीं होगा? कुछ नहीं हुआ मॉम, आप खामखा ही डरा देती हैं मुझे। माँ हूँ तुम्हारी, इस वजह से हर एंगल से देखती हूँ, मुझे लाइफ का तजर्बा है, और तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, मोहतात रहने को कह रही हूँ। मोहम आप खामखा की सोचों और फिक्रों में अपने आप को हलकान रखती हैं। मैं और कुमेल काफ़ी अरसे से ऑफिस के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और हम लोग बिल्कुल नॉर्मल हैं, ना वो माजी की बातें दोहराता है और मुझे भी माजी से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि मैं आफंदी के साथ बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट सच्चे दिल से, नेक नियति से मैं आफंदी की बीवी बनी हूँ, और दैट्स इट। मैं सिर्फ तुम्हें मोहतात रहने का तकाजा कर रही हूँ, कुमेल से फासला रखना, अगर कल कोई बात ऐसी निकले तो तुम खुलकर आफंदी से बात तो कर सकोगी ना। मॉम मेरे और कुमेल के दरमियान सिर्फ कलीग का रिश्ता है बस, और उसी हद तक बात होती है। अच्छा बताओ, खैर डिनर घर पे करना है कि कहीं बाहर चलें? मॉम डैड बिल्कुल ठीक कहते हैं आपके बारे में, कुछ नहीं हुआ ना आप इस बात की भी पार्टी दे देंगे। तुम और तुम्हारे डैड ना एक ही जैसे हो, नॉटी। रोशानी सोफे पे सोने से तुम्हारी गर्दन अकड़ जाएगी। Are you right, Mohan? अच्छा क्या करूं, काम का इतना प्रेशर है, लेकिन काम के प्रेशर का अपना ही मजा है मोहन। जब सारी जिम्मेदारियां मुझ पे आई तो डैड की हिम्मत को दाद देनी पड़ी, इतने अरसे से ये सारी जिम्मेदारियाँ अकेले उठाते हुए आ रहे हैं। वैसे वो हैं कहाँ, अब तक आए नहीं? काम पर चले गए हैं, और तुम दोनों बाप बेटी ना एक जैसे हो, वर्कहॉलिक, कभी भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं करना। आप है ना हमारी सेहत का ख्याल रखने के लिए। तुम दोनों हाथ आओ तब ना, जलीस तो खाए बगैर चले गए हैं। ओके मॉम, वैसे भी जब उन्हें भूख लगेगी तो वो ऑफिस में कुछ खा लेंगे। रोशानी ये तुम्हारे लिए कोरियर से आया है। थैंक यू डैड। आफंदी ने भेजा, आप देख रही हैं उनको चैन नहीं है, मुझसे दूर हैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए, फिर भी कोरियर भेजा जाए। आफंदी ने मुझे तलाक दी थी। रोशानी जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। रोशानी उसकी हिम्मत कैसे हुई है बगैर कोई वजह बताए इतना बड़ा कदम उठाने की? मैं तो उसे कोर्ट में घसीटूंगी। जैक तुम पैरिसर साहब को कॉल करो,
मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि ये खबर मैं जलीस को कैसे बताऊंगी। उनको पता चलेगा तो पर तो कयामत टूट जाएगी। प्लीज आप ठंडे दिमाग से सोचें और गुस्से पर काबू पाएं। मसला बहुत गंभीर है। देख लिया तुमने इस बेजोड़ शादी का नतीजा? कितना समझाती थी मैं उसको कि उम्र का ये फर्क कहीं ना कहीं जरूर तरार डालेगा, लेकिन नहीं, उसने तो अपनी मनमानी करनी थी। अब देख लिया, भुगत रही है उसका नतीजा। क्या हाल बना लिया उसने अपना। अफंदी, तुम्हें तो मैं कोर्ट में जरूर घसीटूंगी। तुमने मेरी बेटी का ये हाल किया है ना, तुम देखना अब तुम्हारा मैं क्या हाल करूंगी। भाई मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि उसकी इस मुजरमाने गफलत पे क्या एक्शन लिया जाए। सर गफलत तो मुजरमाना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस नुकसान पे काबू पा सकते हैं तो टर्मिनेट नहीं करना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो भाई, ये उसकी पहली गलती नहीं है। इससे पहले भी वो किसी को इन्फॉर्मेशन दिए बगैर डिसीजन लेता रहा है, और आफंदी साहब ने उसको लास्ट वार्निंग दी थी एंड ही इज वेरी अपसेट। और इस दफा तो उन्होंने कहा है कि इस इशू पे जो कोई भी मुलव्विस है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। आप रोशाने मैडम से बात कर लीजिए, जो आप लोगों का फैसला हो। मैडम रोशाने अभी तक आई नहीं है भाई, इस वक्त तक तो आ जाती है नॉर्मली। आई थिंक काम की ज्यादती की वजह से काफी थक गई होंगी। अब जानते हैं वो दिन रात मेहनत कर रही है इस प्रोजेक्ट पे। अगर आप कहें तो मैं कॉल करता हूँ उनको। हाँ तुम एक काम करो, अगर सेकंड हाथ तक ना आए तो एक कॉल कर दो और उनको बताओ कि ये तीनों यूनिट्स जो हैं भरपूर अंदाज से काम कर रहे हैं, और उनसे कहेंगे आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं। टेंशन फ्री तो वो नहीं होंगी सर, जितना मैं उन्हें जानता हूँ। तुम मैडम उशाने को पहले से जानते हो? यस सर, हमने साथ में MBA किया। अच्छा ठीक है, चलो तुम कॉल कर लो और वो क्या कहती हैं तो उसके हिसाब से डिसीजन ले लेंगे। राइट सर। ठीक है चलो, तुम मुझे बताओ तुमने ऑफिस में। भला कोई किसी को उसका जुर्म बताए बगैर कैसे सजा दे सकता है? ये तो ज्यादती है ना। तुम्हें इस तरह तड़पाने वाले को मैं बिल्कुल हरगिज नहीं बख्शूंगी। रोशाने की कहानी खत्म हो गई है, अफंदी ने उसे तलाक दे दी है। जो ना मिल सके याद वो आए, वो आए। डॉक्टर ने इसे इंजेक्शन दिया है, थोड़ी देर सोएगी तो उसे सुकून मिलेगा। आप जलीस साहब को इत्तला कर दें या फिर उनके आने के बाद बताएंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं जलीस के बाहर होते हुए उसको ऐसी कोई खबर नहीं दे सकती। खुदा ना करे उसकी कोई तबीयत खराब हो जाए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। उसको घर आने तो फिर उसको आराम से इत्तला दूंगी, और तुम भी ख्याल रखना ठीक है ना। आप मुतमईन रहे। रोशनी डिवोर्स के पेपर्स कहें, मुझे दिखाएं। रोशाने तुम आराम करो प्लीज, तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, प्लीज तुम लेट जाओ। मॉम नहीं, मुझे नहीं लेना। आफती ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो किसी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ हर बार ऐसा क्यों होता है? देखो मैं और जलीस बात करेंगे ना उससे, प्लीज खुदा के वास्ते आराम करो। डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है, और ऐसे थोड़ी हो जाती हैं शादियाँ और तलाकें। इन्हें तो बहुत नेक नियति के साथ अपनी शादी निभाने की कोशिश की, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसकी ये सजा मुझे इतनी बेरहमी से दी जा रही है। प्लीज रोशनी मेरी बात मान लो, तुम अगर डिप्रेशन लोगे तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। प्लीज मेरी बात मान लो बेटा, मुझे अपनी हालत से कहा इश्तिहार है मोहन, मैं नहीं रोना चाहती लेकिन मैं क्या करूं, हालात का एक झुंड है,
गर्दिश कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपनी हालत में कंट्रोल करूं। भला कोई किसी को उसका जुर्म बताए बगैर कैसे सजा दे सकता है? ये तो ज्यादती है ना। तुम्हें इस तरह तड़पाने वाले को मैं बिल्कुल हरगिज नहीं बख्शूंगी। लेकिन खुदा के वास्ते तुम अपने आप को संभालो, तुम्हें इस हालत में देख के चलीस की हालत खराब हो जाएगी। और आप डैड को कुछ मत बताइएगा, मेरा इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। फोन पर तो नहीं बताया, लेकिन उनके घर आने के बाद तो बात बतानी पड़ेगी ना। इतनी बड़ी बात छुपा कैसे सकते हैं? ये समझ नहीं आ रहा मॉम कि आखिर इस इंतहाई कदम के पीछे ऐसी क्या बात है। आफंदी ने पहले मुझे घर भेजा बहाने से, और पीछे डिवोर्स के पेपर्स भेज दिए। रोशन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुमैन ने कुछ कहा हो, या उसके किसी एक्शन की वजह से आफंदी को शक हुआ हो कि कुमैन ही लड़का है? मगर मॉम, आफंदी बहुत खुले दिमाग के इंसान है। अगर उनको ऐसा कुछ पता भी चलता तो वो मुझसे कंफर्म कहते। छोटी सी बात पे तलाक? नहीं, इतनी छोटी बात पे मुझे तलाक नहीं दे सकते। तुम आफंदी के कसीदे पढ़ना बंद करो और जलीस के सामने अपने आप को कंपोज रखना, वरना जलीस तुम्हारी ये हालत देखकर बहुत परेशान हो जाएगी। समझ आ रही है ना तुम्हें? मैं कोशिश करूंगी मॉम, लेकिन नाकाम भी हो सकती। हेलो। हेलो रोशनी, मैं रोशनी की माँ बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, रोशनी से बात हो सकती है? वो सो रही है इस वक्त, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ओह, एक्चुअली आज उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने थे ज़रूरी, और कुछ विजिट्स प्लान थे उनके। उसकी तबीयत ख़राब है तो क्या वो ऑफिस जाएगी? नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा, बस आई वाज जस्ट वरीड अबाउट हर। किस हैसियत से? सॉरी समझा नहीं आप क्या कह रही हैं। किस हैसियत से तुम रोशनी का नाम पुकार रहे हो जब वो तुम्हारी बॉस की बीवी है और दूसरे बॉस की बेटी है? और किस हैसियत से उसकी बीमारी का सुनकर परेशान हो गए हो? जवाब दो। मैम आई नो आप मुझे पसंद नहीं करते, मेरे बारे में कुछ खास अच्छी राय है नहीं आपकी। मैं ये हकीकत भी जानता हूँ कि वो मेरी मालिकन है, बॉस की बीवी है, दूसरी फैक्ट्री के मालिक की बेटी है, दोस्त भी तो है मेरी, तेरी ना दोस्त। बंद करो अपनी बकवास, अपनी मीठी बातों से तुमने मेरी बेटी को दीवाना बना रखा है। और जब साथ निभाने का वक्त आया तो तुम बगैर किसी आसरे के भाग गए। भागने वालों में से नहीं हूं मैं, फिर भागना ही होता तो वापस क्यों होता? मेरी कुल कायनात यहाँ है, मेरी दो बहनें, मेरी माँ। माँ और बहन के फराइज तो याद थे, लेकिन दोस्त होने के नाते जो तुमने रोशनी को झूठे ख्वाब दिखाए वो सब भूल गए। मुझे वापस तो आना था, और ज्यादा देर भी नहीं लग रही मैंने, लेकिन आप लोगों के प्रेशर में आकर उसने शादी कर ली। अब आप बताइए ना, आप खुश हैं इस शादी से? मैंने दबाव इसलिए डाला था क्योंकि रोशनी तुम्हारे घर वालों से हमें मिलवाने से कतरा रही थी, और वजह ये तुम्हारी बिला वजह की असूल पसंद है। पहले बहनों की शादी करूंगा, उसके बाद शादी करूंगा। हमने कब कहा था कि तुम पहले शादी करो? लेकिन तुमने तो कोई साफ जवाब ही नहीं दिया। लेकिन मैं और रोशनी अब इस तल्ख हकीकत को तस्लीम कर चुके हैं। तुम्हारा और रोशनी का तस्लीम करने से क्या फर्क पड़ता है? हमारा एक सोशल स्टेटस है इस सोसाइटी में, माशरा इन बातों को तस्लीम नहीं करता। ये रिश्ते कांच की तरह नाजुक होते हैं, जरा सी बात पर कहानी खत्म हो जाती है। क्या कह रही है? मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात।
कहानी खत्म का मतलब तुम्हें नहीं पता? रोशानी की कहानी खत्म हो गई है, अफंदी ने उसे तलाक दे दी है। What? आप क्या कह रही हैं? हेलो, जुलीस, आप परेशान मत हो, अपनी तबीयत खराब मत करें। हम अफंदी से बात करेंगे, जरूर कोई ना कोई वापसी का रास्ता होगा। एक बेटी के बाप के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? उसकी बेटी को बेघर कर दिया जाए। मेरी रोशनी कहाँ? किस हाल में मेरी बच्ची? वो कमरे में बहुत दुखी है, उसकी भी जैसी हालत हुई भी है। अफंदी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, उसने अच्छा नहीं किया। हम अफंदी से बात करेंगे, ऐसे कैसे बैठे बैठाए तलाक दे दी? जो होना था हो गया, सिर्फ जगह सही होगी। आपको जगह सही की फिक्र पड़ी है, और जो मेरी बेटी वहां उस हालत में पड़ी है उसका? उसी की फिक्र के लिए तो कह रहा हूं। आज हम तीन को पता है, बात कोर्ट कचहरी में पहुंची तो दुनिया की जुबान पर होगा कि जलीस की बेटी और अफंदी की बीवी शायद सुर्खियां बनेगी। नहीं लेना, मैंने अपना मामला मेरे रब पे छोड़ा। देखो बेटा, जो तुम्हारे अपने हैं उन्हें तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं, और जिन्हें सफाई की जरूरत है वो तो तुम्हारे अपने कभी थे ही नहीं। हिम्मत से काम ले रही, अपनी शख्सियत की बिखरी हुई किरचियां समेट। मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तुम ये कर सकती हो। जो ना मिल सके याद वो आए रे, जो ना मिल सके याद वो। मेरी कोई गलती नहीं है डैड, और अगर कोई गलती है तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, मेरी बेटी कोई गलती नहीं कर सकती। मगर बेटा, यूं अपने आप को असीयत देना बंद करो। देखो बेटा, जो तुम्हारे अपने हैं उन्हें तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं, और जिन्हें सफाई की जरूरत है वो तो तुम्हारे अपने कभी थे ही नहीं। मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों हुई डैड? बिना किसी जुर्म के आफंदी ने मुझे इतनी बड़ी सजा सुना दी। अफंदी को उसका जवाब देना होगा बेटा। क्या फर्क पड़ता है, फैसला तो वो सुना चुका है। अफंदी साहब ने रोशनी को तलाक दे दी, खुद बाहर चले गए। बहजाद साहब को इस बारे में शायद नहीं,
आखिर ऐसा क्या हो गया जो एकदम इतना बड़ा फैसला? परसों तो अफंदी साहब भी वापस आ रहे हैं, ये सब एक के बाद एक मामला बिगड़ते जा रहे हैं। इंसान वाकई बेबस है, वो चाहे जितनी प्लानिंग कर ले, जो सोच ले, जो भी चाहे, होता वही है जो इस कायनात का मालिक उसके लिए चाहता है। सही सूरत हाल सिर्फ रोशनी से पता चल सकती है। आखिर इस गड़बड़ के पीछे सारी वजह क्या है? हेलो, कैसी हो रोशनी? ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, जिंदा हूँ। प्लीज ऐसी बातें मत करो, हिम्मत से काम मत लो। हिम्मत से काम ले रही, अपनी शख्सियत की बिखरी हुई किरचियां समेट रही। और मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तुम ये कर सकती हो। तुम्हें यकीन होना भी चाहिए। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, जो सजा देनी है तुम दे सकती हो। तुम हौसला मत हार प्लीज। हर बार मुझे क्यों बिना बताए सजा सुना दी जाती है? क्यों मेरे साथ ही सब कुछ होता है बिना बताए? अफंदी साहब ने तुम्हें बिना बताए? मुझे तो बस तीन अल्फाजों पर मुश्तमिल एक कागज मौसूल हुआ डाक से। ना मुकदमा चला, ना दलाइल, ना कोई सफाइयां पेश की गई, सीधा सजा है। ये तो सरासर ज्यादती है। बाज़ अकार लोग ज्यादतियां करते हुए अपने आप को इतना हक बजाने समझते हैं कि उनको अपने की हुई गलतियों या ज्यादतियों का एहसास भी नहीं होता। नहीं, पर गलती का एहसास दिलाया जा सकता है, ज्यादती का अजाला मुमकिन है। बाज़ ज्यादतियां ऐसी होती हैं जो नाकाबिले तलाफी। हौसला रखो रोशनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हूँ। हाँ कुमेल, तुम वहां रह के डैड के ऑर्डर्स का ध्यान रखना, वो खुद इस वाकये की वजह से बहुत परेशान है। बिल्कुल परेशान मत हो, फोन पे अपडेट करता रहूं तुम्हें साथ साथ। बिल्कुल, इद्दत तक फोन पे ही बात होगी। I'm sorry रोशनी, आज समझाऊं कि औरत को कमजोर समझना मर्द की अपनी कमजोरी है। खैर, तुम बहुत बहादुर हो, ख्याल रिश्ते सब जान हुए चेहरे फिर भी याद है मुझको यादों जानते कि मुआशरा मुतालिका औरतों को किस नजर से देखता है। अच्छा, और तुम दुनिया की बातों की परवाह कब से करने लगी?
नहीं, मार्केट में क्या पोजीशन? आगे सिर्फ फैसलाबाद के रेट्स कम और आप उनके रेट्स बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हारे माजी का हिस्सा बन चुका हूँ। जब मैं आफंदी के निकाह हूँ तुम हकीकत में मेरा माजी बन गए। रिश्ते सब अनजान हुए हैं, चेहरे फिर